हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, आरबीआई ने हाल ही में मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक के खातों की निकासी सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। अब देखिए, ये सवाल तो एक सिंपल सा है जो कि आप सब न्यूज़ में और इन सब में समझ लिया होगा या पहले से आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ लाने का मतलब है कि जो ये जो पीएमसी बैंक की क्राइसिस है उसको आपको समझाना, उसको एक्सप्लेन करना, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सके। यहाँ पे 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबको समझनी चाहिए। पहला तो एक तो है कि पीएमसी बैंक के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आरबीआई ने इसके ऊपर एक तरह से बैन कर दिया अगले 6 महीने के लिए, कि इसके तहत ना तो नया लोन दिया जाएगा और ना ही नया कोई डिपॉजिट इसमें, चाहे एफडी वगैरह हो, वो लिया जाएगा। साथ ही यहाँ से विदड्रॉ करने की जो पहले सीमा रखी गई थी सिर्फ 1,000 रुपये अगले 6 महीने तक, जिसे जो पीएमसी बैंक के कस्टमर थे उनके बहुत हल्ला और ये सब करने के बाद उसे 10,000 कर दी गई। और आरबीआई ने कहा कि 10,000 के लिमिट के साथ ही 60% जो कस्टमर हैं पीएमसी बैंक के, वो अपने पूरे पैसे निकाल सके, ये उतनी लिमिट है। यानी पीएमसी बैंक के 60% कस्टमर का जो टोटल डिपॉजिट होगा वो 10,000 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट 40% का ही इससे ज़्यादा होगा, तो बोला धीरे धीरे हम देखेंगे उसके बारे में। पहले ये समझते हैं कि ये आखिर इसके ऊपर बैन क्यों लगा, इसके ऊपर जो भी आरबीआई ने जो डिसीजन लिए हैं वो क्यों लिए हैं, समझिए। आरबीआई ने डिसीजन लिया है आरबीआई एक्ट 1935 के शेड्यूल 35A के साथ। 35A आरबीआई एक्ट का क्या कहता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक के खिलाफ कोई भी स्टेप ले सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, अगर उसे लगे कि यह पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है या वो बैंक के जो नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है। तो ये बहुत ही चर्चित है आरबीआई 35A। और 35A दो जगह बहुत ही ये कंट्रोवर्शियल रहा है, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहा जिसे हाल ही में गवर्नमेंट ने हटा दिया आर्टिकल 370 के साथ, और अब आरबीआई का है, ये भी बहुत ही चर्चा में है। किन कारणों के कारण आरबीआई ने इस क्लॉज को वहाँ पे लगाया? तो आरबीआई कहती है कि वहाँ पे 3 क्लॉज हैं जिसके तहत हमने लगाया है। पहला कि यहाँ पे फ्रॉड का मामला बनता है कि फ्रॉडर एक्टिविटी हो रही है और वो हम पता लगा रहे हैं। दूसरा, अनकंट्रोल्ड मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल्ड नहीं है और अपने हिसाब से काम कर रही है। और तीसरा, जो भी यहाँ के लोन्स हैं या यहाँ पे जो पैसे दिए गए हैं और पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, यानी जो NPA बन गए हैं, उसका अंडर रिपोर्टिंग, यानी इसका सही से रिपोर्टिंग RBI को नहीं किया जाता। ये 3 आधार पे उन्होंने RBI की इस एक्ट को यहाँ पे लगाया है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड मैनेजमेंट और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ NPA। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण जो है ये लगाया गया है। अब समझिए कि पीएमसी बैंक है क्या। पीएमसी बैंक जो है एक कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। 137 के करीब जो है इसके ब्रांचेज हैं और ये कोऑपरेटिव बैंक में भी ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बैंक है। ये लास्ट ईयर इसने लगभग 100 करोड़, 97.67 करोड़ का जो है इसने प्रॉफिट कमाया था, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है। लेकिन ऐसी कुछ अनियमितताएं हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉडलेंट हैं, जिसके कारण इसके ऊपर इस तरह के बैन लगाए गए हैं। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन व्यापार के लिए विश्व का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही जवाब ऑप्शन बी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार इंडिया और विश्व का पहला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए तो ट्रेडिंग बहुत जगह हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे देखें, यूरोप ने शुरू किया है ग्रीन हाउस को लेके, ग्रीन हाउस गैसेस को लेके ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो ऐसे बहुत जगह हो रहा है। लेकिन पार्टिकुलर मैटर पीएम के लिए, पार्टिकुलेट मैटर के लिए, इसके उत्सर्जन को रोकने के लिए जो इसकी ट्रेडिंग शुरू की गई है, ये गुजरात सरकार पहला है विश्व भर में जिन्होंने ये काम शुरू किया है। इसके तहत जो गुजरात सरकार की जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो हर कंपनी को इसका एक लिमिट देगी और उस लिमिट को आपस में वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडिया टीवी रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2018 में भारत में टीवी से संबंधित मौतों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? और सही जवाब है ऑप्शन डी 82%। ये जो इंडिया टीवी रिपोर्ट है, ये एक्चुअली रिपोर्ट किसके द्वारा ये पब्लिश की गई है? ये पब्लिश की गई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई, और जिसमें बताया कि 2010 की तुलना में 2018 में बहुत ही भारी जो है कटौती हुई, बहुत ही भारी गिरावट हुई, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। टीवी को लेकर मैंने आपके साथ काफ़ी बार बात की है कि टीवी पे गवर्नमेंट कितने सारे स्टेप ले रही है, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ कि 8 साल में 82% तक की कमी आई है। इसकी जो मुख्य वजह है उसमें है बहुत सारी सर्विसेज, सार्वजनिक निजी पीपीपी पे जो काम हो रहा है, सरकार द्वारा मरीजों के उपचार की उपलब्धता है तो बेहतर निवेश, ये सारे जो है काम हो रहे हैं। और वहीं जो भारत का लक्ष्य है वो 2025 तक टीवी का उन्मूलन करना, ये एक टारगेट है और हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। अगर हम लोग इतने ज़्यादा इरेडिकेट कर सकते हैं चीज़ों को तो 2025 अभी भी 6 साल बाकी है, इसको पूरी तरह से हम अपने पूरे भारत से, अपने पूरे समाज से इसे हटा सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? और सही जवाब है ऑप्शन ए सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पहली बार ये एक काम किया कि वो विश्वभर के टूरिस्टों के लिए, अपने यहाँ छुट्टी बिताने के लिए 49 देशों को, नागरिकों को ये सुविधा देगी। तेल के अलावा अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए ये सऊदी अरब का एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महिला यात्रियों को भी खास सुविधा मिलेगी। विदेशी महिलाओं के लिए सऊदी द्वारा सख्त ड्रेस कोड के नियम को भी खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लिगेसी का विमोचन किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी की ये किताब है रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, और इसका जो विमोचन था वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। इस पुस्तक में पिछले कुछ सालों में हुए भारत के आर्थिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पुस्तक में सरकार द्वारा आरंभ की गई उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं से देश को होने वाले लाभ पर भी प्रकाश डाला गया। बहुत ही एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को, इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को अगर समझना है तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किताब लेते हैं, इस किताब का आपके एकेडमिक में बहुत हेल्प होगा ऐसा। इस किताब को देखने के बाद, जो प्राइमर फेसिस, इसकी पूरी किताब को तो अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन जो थोड़े कॉन्टेंट मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छे तरह से इसमें लिखे गए हैं, आपको एक एक चीज़ों को समझाई गई है, अच्छी बुक है ये। अगला सवाल, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? और सही जवाब है ऑप्शन सी 44वें। IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत 2018 में 48वें स्थान से आगे बढ़कर 2019 में 44वें स्थान पर पहुंचा, यानी 4 पोजीशन की जो है उसने जंप ली है। देश ने सभी कारकों, ज्ञान, नॉलेज, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी के मामले में सुधार दर्ज किया। इस सूची में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, पहले पायदान पर है डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में। वहीं दुनिया के में इसमें जो दूसरा स्थान पे है वो है सिंगापुर, तीसरा पे स्वीडन, चौथे पे डेनमार्क, पांचवे पे स्विट्जरलैंड। शीर्ष 10 डिजिटल प्रतिस्पर्धी स्पर्धाओं में नीदरलैंड, फिनलैंड, हांगकांग, नॉर्वे और साउथ कोरिया आते हैं यहाँ पे। और आज का अगला सवाल,
नासा के किस उपकरण द्वारा ली गई तस्वीर से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग के बारे में पता चला है। और सही जवाब है ऑप्शन डी, LROC, ल्यूनार रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर कैमरा। ये LROC है जो कि नासा के द्वारा वहाँ पे ये ऑर्बिटर में ये काम कर रहा है, और उसने अपने हाई रिजोल्यूशन तस्वीर से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर क्रैश होने के संकेत मिले। हालांकि लैंडर की कोई इमेज नहीं निकल पाई, लेकिन इसके पीछे रीज़न वो ये दे रहे हैं कि वहाँ पे बहुत धुंधला है और एक तरह से अंधेरा सा वहाँ पे है, तो इसी कारण जो है हम उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ शेडोज हैं। तो वो जब वापस अक्टूबर में जब वो एक दूसरे पोजीशन से आएगा LROC, फिर वो अदर साइड से उसकी इमेज लेके ये जान पाएगा कि विक्रम एक्चुअली कहाँ पे है। लेकिन ये कहा कि बहुत ही हार्ड लैंडिंग हुई है जिसके कारण उससे संपर्क टूट गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये लगभग 150 किलोमीटर की दूरी से ली गई है। अगला सवाल, विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी किस देश ने किया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल मनाया जाता है। इस बार ये दिवस की थीम है टूरिज्म एंड जॉब, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इस वर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 की मेजबानी भारत ने की, और इसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेगमेंट, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल होगा। मैंने आपसे पूछा था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के किस मशहूर कॉमेडियन का 39 साल की उम्र में निधन हो गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, वेणु माधव। बहुत ही ये मजे हुए कलाकार थे, बहुत ही उम्दा कलाकार थे। इनकी अगर साउथ की फिल्में देखें बहुत ही ज़बरदस्त कॉमिक सेंस था इनका, और बहुत ही जो है विपरीत परिस्थितियों में अगर देखें तो इनका अभी इस कम उम्र में इनका जो है निधन हो गया है। जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही शोकाकुल है इनके जाने से। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, हाल ही में गूगल ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और अब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें jagranjosh.com।